और आप सभी सरोज जी और सर और आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेली गुड़गांव मथुरा आगरा ग्वालियर में हो चुके हैं और कल का हमारा ऑडिशन जो पूना में है, ठीक है सर। रियलिटी शो होने के बाद जो हमारा फिनाले है वो 20 अप्रैल को है, जिसमें हमारे साथ सरोज जी हैं, गुरबीर चौधरी जी हैं और अशोक विश्वास जी हैं और अपने शायद रेहान जी हैं और आप सब तो साथ रहोगे ही रहोगे। इसके बाद हमारा मूवी का प्लान है जो कि हम लगभग मई में शूट करेंगे। और पलवल, उसके बाद फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा और ग्वालियर ये हो चुके हैं और कल का हमारा जो ऑडिशन है वो पूना में है। इसका फिनाले है जो हमारा वो 20 अप्रैल को है और फिनाले तक हमारे साथ अपने सरोज खान जी, अशोक डी स्टार जी और गुरमीत चौधरी जी और हमारे सर रेहाल सॉरी श्याल रेहान जी और आप लोग तो साथ रहेंगे रहेंगे। बाकी इस जो टैलेंट हंट शो को ख़त्म करने के बाद हमारा जो मूवी का प्लान है जो हम मई में शूट करेंगे। वेरी गुड। और कोई बात पूछने सर आप बोलो। इसके बारे में बता सकती हूँ, एक्टिंग के बारे में वगैरह तो दूसरे मास्टर से मैं अपना डांस देखूंगी कि कितना उनमें टैलेंट है, रिदम है या नहीं है, या वो एक एक्स फैक्टर जो होता है, जो चुलबुलापन होता है या एक्सप्रेशंस होते हैं वो है या नहीं है, मतलब लायक है कि नहीं है, यही देखना है। मैम से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मैम से पहले हम लोग को एक जिम्मेदारी दी गई है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में टैलेंट ढूंढ के लाना। हम लोग ऐसे टैलेंट को ढूंढ रहे हैं कि जो इंडिया के सामने अपने टीवी चैनल्स के द्वारा, अपने मीडिया के द्वारा हम सबको दिखा सकें कि इंडिया में जो हुनर जो छोटे छोटे शहरों में, जैसे सर ने अभी नाम लिया छोटे छोटे शहरों का, उन शहरों से भी टैलेंट ढूंढ के हम लोगों को हिंदुस्तान के सामने प्रेजेंट करें। हम लोग सारे टैलेंट को, अच्छे अच्छे टैलेंट को ढूंढ के मैम के साथ सामने प्रेजेंट करेंगे और मैम उसमें फैसला सुनाएंगे कि इंडिया बेस्ट कौन है कौन नहीं है। इस टैलेंट हंट का एक ही मकसद है कि जो छोटे छोटे शहरों से जिनको मौका नहीं मिल पा रहा उनको हम चांस देंगे और वो लोगों को हम लोग टीवी तक पहुंचाएंगे, आप लोगों के माध्यम से हिंदुस्तान को बताएंगे कि टैलेंट क्या होता है, क्या चीज़ होती है, जिसके लिए हमारे श्री राधे श्याम फिल्म्स एक बीड़ा उठाया है, एक जिम्मेदारी ली, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उसके तीनों डायरेक्टर आपके सामने, सुनील दत्त जी, राजेश जी और ये अपना महावीर जी, तीनों जने हैं हमारे उसमें बहुत बड़े सहयोग भी, जैसे बगल में रमेश जी बैठे हैं, साहिल रिहान जी बैठे हैं, ये लोग शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा साथ देंगे और इसके लिए हम लोग, हमारी कंपनी, हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं आप सभी का, स्पेशली सरोज मैम जी का कि जो आज भी टाइम दिया है और आगे भी टाइम देंगे। सर टैलेंट तो बहुत सारा है हमारे इंडिया में, कुछ कम नहीं है, हर जगह से ढूंढना पड़ता है। जब इन्होंने बीड़ा उठाई है तो कुछ अच्छा ही टैलेंट लाएंगे और जबकि पिक्चर बना रहे हैं तो वही टैलेंट इनके काम भी आएगा। आपकी तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा, और क्योंकि आपने पूरी इंडस्ट्री देख रखी है, पूरा जमाना देखा है, तीन तीन जनरेशन देखी है जी, टैलेंट की तो सबसे ज़्यादा करीबी उनकी आपके पास ही होगी पहचान। कोशिश करते हैं कि अभी भी अच्छा अच्छा टैलेंट ला सकें और जो बोरिंग हो गया है उन हटाएं, कुछ नया लाएं, पूरी कोशिश है। इन चीज़ों को तलाश करने के लिए किन किन चीज़ों को नज़र रखना पड़ता है, किन किन बारीकियों को देखना पड़ता है? देखिए डांस सब लोग करते हैं लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके डांस के साथ ऐसा दिल करता है हम भी नाचें, तो वो ढूंढते हैं हम कि वो चीज़ किस में है। अब जैसा ऋतिक नाचता है तो लोगों का दिल करता है काश हम ऐसे नाचें, या गोविंदा नाचे तो लोग खड़े हो जाते हैं, तो
कोशिश यही है कि उनके जैसे कुछ टैलेंट लाएं जल्दी जल्दी। आपके प्रोग्राम से अगर बात करें तो इस टाइम बॉलीवुड का सबसे जबरदस्त टैलेंट कौन है जो आपकी नजर में इस वक्त है? देखिए सर, हमारे यहाँ तो जो चढ़ते सूरज हैं उन्हीं को पूजा जाता है, तो सबसे ज़्यादा टैलेंट उन्हीं में होता है जो माल कमा के लाता है। जो चल रहा है आजकल एक्टिंग डांस वगैरह कोई नहीं देखता है, जो चल रहा ये देखता है कौन चल रहा है बस। देखिए हम लोग तो मौका दे रहे हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट तो खूब की है। अभी जितने ऑडिशन हो चुके हैं उसमें तो भरपूर आए हैं, अब देखें आगे कौन आएगा। कोशिश करेंगे। मैं सभी जितने लोग ऑडिशन देने वाले हैं, जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैं सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा मौका आप लोगों के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग आएँ, और हम आपको मौका दे रहे हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को हिंदुस्तान में अपना टैलेंट दिखाने का, अपना हुनर दिखाने का। और हो सकता है कि आपके हुनर में इतना दम हो कि जैसे हमारा आगे मूवी का प्लान है जो आगे चल के, तो उसमें भी आपको मौका मिल सकता है आप सभी लोगों को। और ये कोई बोल बच्चे नहीं है, ये रियलिटी है, और इसमें जो रियल टैलेंट होगा वही हम लोग मैम के सामने प्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि बचपन से हम सपना देखते थे, मैम को फॉलो करते थे, आज मैम के साथ बैठे हैं। हमारे कंपनी को, हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स को बहुत बहुत थैंक्स, आप सभी लोगों को, सभी मीडिया को, जितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोगों को स्पेशली मैं थैंक्स करता हूं। और ये हिंदुस्तान के 27 सिटीज़ में ऑडिशंस हो रहे हैं, जिसमें 6-7 सिटीज़ अभी कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे सर ने बताया। आज यहाँ पे मुंबई में कर रहे हैं, कल हमारा पुणे में होगा, उसके बाद जयपुर में होगा, उसके बाद भिवाड़ी में होगा, सोनीपत होगा, कानपुर, लखनऊ, पटना, बनारस, उधर सासाराम करके एक जगह है वहाँ पे, कलकत्ता, गोवा, तो बहुत सारी सिटीज़ हैं। एक्चुअली हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपनी मीडिया का, आप जैसे लोगों का जब तक सहयोग नहीं होता, मुझे लगता है कि जो मेरा ओपिनियन है, मैं जितना मेरे को एक्सपीरियंस है कि आप लोगों का भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता है लोगों तक मैसेज पहुंचाने का। तो से मुझे भी काफ़ी कॉल आएगा, इसके मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन काफ़ी कॉल आएगा, मुझे ऑडिशन देना है। जानकारी लोग कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट या न्यूज़पेपर से? नहीं, हमने जो सोशल मीडिया पे हमने अपडेट किया हुआ वेबसाइट पे, और अपना जैसे कि अभी ट्विटर इन सब पे, और प्रिंट मीडिया को भी हम लोग फॉलो करते हैं, प्रिंट मीडिया को भी हम लोग उनमें भी अपना मैसेज देते हैं लोगों को, जिनको फ़ोन के थ्रू जानकारी दे सकते हैं उनको फ़ोन के थ्रू जानकारी देते हैं। सरोज जी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनका हाथ हमारे सर पे है, और सरोज जी को मैं स्पेशली सरप्राइज देने वाला हूँ कि ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट उनके सामने ला के रख दूँगा कि सरोज जी भी शॉक हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा टैलेंट भी है अभी हिंदुस्तान में। जी बताओ, ये जो टैलेंट शो हम कराने जा रहे हैं 27 राज्यों में, इसमें जो लड़का और लड़कियां टैलेंट के थ्रू निकल आएंगे, जिनके अंदर कला है, उस कला को हम पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं। और जो 20 अप्रैल को हमारा फाइनल फिनाले होगा, उसमें से जो लड़का लड़की निकल के आएंगे उनको हम मूवी में आने का चांस देंगे, ट्रॉफी और विद अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट होगा उनके पास। ठीक है जी, क्या सर, कहाँ से आइडिया आएगा टैलेंट शो कराना चाहिए कुछ? नहीं नहीं, वो तो अशोक जी है ना हमारे, ये इनसे हमको तो इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन इन्होंने ये जानकारी इनके थ्रू हो रहा है। मूवी का प्लान था, फिर मूवी के साथ काम करेंगे, इसलिए ये सोच करके हमने जो ये टैलेंट शो कराया है, इनको भी फायदा होगा और हमारी कंपनी को भी फायदा होगा। और कौन सी मूवी बना रहे हैं? हमारी मूवी का नाम है गोल्डन 3G। मतलब स्टार सर अभी एग्रीमेंट नहीं हुए हैं, ये तो अप्रैल में होगा, उसके बाद बताएंगे आपको।
ये टैलेंट शो कब तक चलेगा आपका? ये 20 अप्रैल को फिनाले है, उसके बाद फिनाले कहां कर रहे हैं? फिनाले नोएडा फिल्म स्ट्रीट, नोएडा फिल्म। वो हमारे हिंदुस्तान में गांव-गांव में शहर-शहर में पूरे देश में टैलेंट ही टैलेंट।